चार एलिमेंट से मिलो, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। कितना बोर हो गए, क्या हम स्नेल को पाले? नहीं, डॉग, नहीं, बेबी, वो भी चार। हमारे बेबीज कितने प्यारे हैं, चार कमाल की लड़कियाँ। ये मैं क्या देख रही हूँ, चार बेबीज, पर ये बहुत सिंपल है। मैं आ गई। और ये रहे तुम्हारे नए बच्चों के लिए गिफ्ट, एलिमेंट पेंडेंट्स। हैप्पी बर्थडे। विच, बाय। फ्यू, बेबीज। अब हम चार एलिमेंट्स के पेरेंट्स हैं। अर्थ और वाटर, फायर और एयर। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी। लड़कियां लड़ रही हैं। फायर अटैक, वाटर स्मैक। हिलो मत, मैं इन सबको लड़वाऊंगी। रुको, हाँ? रॉक, पेपर, सिजर्स। एक, दो, तीन। मैं जीत गई और मैं नहाने जा रही हूँ। बाहर निकलने में मेरी मदद करो। ओ, खैर, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। हाय बहन, ये किसका परफ्यूम है? कितना बोरिंग है। ये ज्यादा बेहतर है, इसकी खुशबू पत्तों और फूलों जैसी है। ओ यार, उसने फिर से हर जगह फूल फैला दिया। घर साफ रहना चाहिए। मैं पहले नहाऊंगी। नहीं, मैं। वापस दो। ओ नहीं, तुमने शार्ट तोड़ दिया। मॉम आ रही है, छिपो। मैं तो फूल हूँ। मैं तो कैंडल हूँ। मैं एयर फ्रेशनर हूँ। शार की तरह सोचो, मुझे शार समझो। ये काम कर गया और मॉम खुश है। हमने कर दिखाया। मैं इन जीन्स से बोर हो चुकी हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छी जीन्स है, बढ़िया। अगर ये किसी को नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। चौड़ी जीन्स को अंदर की तरफ से काटें। फैब्रिक मार्कर के इस्तेमाल से आग बनाएं। उन्हें फैब्रिक पेंट से कलर करें। येलो से लेकर पिंक तक का ग्रेडिएंट बनाते हुए ग्लो इन द डार्क पेंट से किनारों को रंगे। ब्लैक मार्कर से आउटलाइन बनाएं। तीन तरह की चेन से बनी हुई डेकोरेशन लगाएं। ये कितनी छोटी है, मैं इसे थोड़ा स्ट्रेच कर देती हूँ। उप्स, मैंने गलती से ये फाड़ दी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पहनूं? मेरे पास बस यही जीन्स बची है। अहा, क्या तुम सुन भी रही हो? ठीक है, मैं जीन्स पहन लेती हूँ। ओह वाओ। हाँ, खुद को देखो। क्या, ये कितनी शर्म की बात है। ये मेरा है। नहीं,
ये मेरा है। हाँ वो लड़ रही है। बढ़िया, मजे करो। वाटर, ये तुमने किया ना? हाँ, ये मैंने नहीं किया। पिलो फाइट, ये लो। क्या बदतमीजी है। आपको कौन सी बहन ज्यादा पसंद आई? अर्थ, एयर, फायर या वाटर? नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारी लड़कियों को और सब्जी खानी चाहिए, तुम भी मानते हो ना? हाँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या सच में बॉयलर खराब हो गया है? क्या हुआ? ओह, मैं फंस गई। फोन इस्तेमाल करने की जगह तुम मेरी मदद कर सकते हो। मदद करो, मुझे बाहर निकालो। फ्यू, मुझे दिल से नफरत है। फेस ऐप सेल्फीज मजेदार होती हैं। अब मेरी बारी है। हेलो बेबी, मुझे दो, मुझे भी ट्राई करना है। हे लड़कियों, तुमने फिर से सारे चिप्स खा लिए। तुमने मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। डैड को देखो, वो कितने फनी लग रहे हैं। बहनें सोने जा रही हैं, पर एयर को नींद नहीं आ रही। मैं इन्हें कैसे डराऊं? ये मजेदार होने वाला है। बहन उठो, यहाँ पर एक डरावनी परछाई है। नाटक मत करो। अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है, मैं एक लैंप लेकर आती हूँ। ट्वाइन की मदद से स्टायरोफोम बॉल को बराबर हिस्सों में बांटें। सेक्शंस को एक्रिलिक पेंट से कोट करें। हॉट एयर बलून बास्केट को शेप देते हुए प्लास्टिक फ्लावर बास्केट को ट्वाइन से रैप करें। स्क्यूअर को छोटा करें और उन्हें बास्केट पर चिपकाएं। नुकीले एंड्स पर बॉल को लगाएं। बास्केट को रस्सी से सजाएं। इस टुकड़े पर लाइट की स्ट्रिंग्स लगाएं। ऊपर एक डेकोरेटिव स्टोन लगाएं। लाइट से डरावनी परछाइयां नहीं बनेंगी। अब मैं सो सकती हूँ। ये क्या है? इन बर्तनों को साफ करो अभी। मैं ये नहीं करने वाली। मैं भी नहीं। मैं तो ये पक्का नहीं करने वाली। बहुत हुआ, अब डाइस ये फैसला करेगा। एयर? नो। बिल्कुल नहीं। वाटर? नहीं। डाइस मुझे दो। डैड, आपका नाम आया है। गुड लक। पर क्यों? मैं कुछ भूल रही हूँ। ओ हाँ, ये पर्स किसका है? ओ, ये मॉम का है। ये क्या है? ओ नहीं, याइक्स, मॉम का बैग खराब हो चुका है। ये लो। तो मैं इसको क्या करूं? मुझे पता है, सीशेल सबसे अच्छा डेकोर है। टेम्पलेट की मदद से प्लास्टिक फोल्डर से सीशेल काटें। सीशेल को इस हिसाब से सिलें। दो टुकड़ों को किनारों से सिलें। अलग अलग तरह के ग्लिटर से भरें और सिलकर इसे बंद कर दें। बैग पर सीशेल के आकार का फोम पेपर चिपकाएं। उस पर एक ट्रांसपेरेंट पॉकेट लगाएं। हाँ, अब ये बैग खास लग रहा है। मैं नहा कर आती हूँ। अब आएगा मजा। मैं ब्लो ड्रायर को मिट्टी से भर दूंगी। शार्क ऐप कितने काम की चीज है। क्या
वो एयर ड्रायर से अपने बाल नहीं सुखा रही। मौसम भी अजीब हो रखा है, मैं पूरा भीग गया, अब सूखना होगा। ये रहा ब्लो ड्रायर। मेरी बेटियां फिर से शैतानी कर रही हैं। मुझे अब इसे धोना होगा। और साबुन भी यहाँ है, सफेद साबुन के बेस को पिघलाएं, सोप कलरिंग डालें। रेक्टेंगुलर मोल्ड को एक एंगल पर रखें, उस पर अल्कोहल छिड़क कर उसके अंदर साबुन डालें, कोल्ड बाथ सॉल्ट डालें और ठोस होने दें। इसी तरीके से सीशेल और स्टारफिश के आकार का साबुन बनाएं। इसे क्लियर ब्लू सोप से ढकें और रबिंग अल्कोहल से एयर बबल्स को हटाएं। इस स्टारफिश को हटाओ, मैं फिर कभी दोबारा अपनी बेटी का साबुन इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये अजीब था। उप्स, मुझे प्यास लगी है। और ये रहा कप। स्वीटी, क्या मैं एक सिप ले सकता हूँ? बिल्कुल, शुक्रिया। ये तो बहुत गर्म है। शुक्रिया यार, अब अच्छा लग रहा है। ये तो खतरनाक होता जा रहा है, मैं इसके फायर पावर को कैसे कंट्रोल करूँ? जादुई अली एक्सप्रेस, अभी खरीदता हूँ। कौन है? कोई नहीं। जादुई अली एक्सप्रेस डिलीवरी, ऑर्डर कहाँ है? एक सेकंड रुको। ये लो जादुई ब्रेसलेट्स। डेकोरेटिव स्टोन पर एक चेन चिपकाएं। उसी चेन में एक और स्टोन चिपकाएं। जंप रिंग लगाएं और उसे चेन से जोड़ें। शुक्रिया, ये काफी तेज था और थोड़ा अजीब भी। मैंने जानबूझकर नहीं किया डैड, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए है। जादुई ब्रेसलेट, चाय ठंडी हो गई, तुम इसे गर्म कर दोगी? मैं नहीं कर सकती, मेरी पावर बंद हो गई है। चलो इस ब्रेसलेट को उतार दें। हो गया, शुक्रिया हनी। मैंने रूम साफ कर दिया, अब मैं अपने बाल बनाऊंगी। टूटे हुए हैंडल को हटाकर ब्रश ले लें। पुराने पेन की बॉडी को हॉट ग्लू से भरें और ब्रश को उसमें डाल दें। वायर से एक टहनी बनाएं। पूरे पीस को हॉट ग्लू से ढक दें। उसे एक्रिलिक पेंट से कोट करें। डेकोरेटिव फूल और पत्तियां लगाएं। जादू से तुम्हारे बाल खिल उठेंगे। फायर अपनी बहन को देख रही है। मुझे भी वैसा हेयर स्टाइल चाहिए। क्या फूल खिलने शुरू हो गए? कीड़े। टहने जरूरी काम करने में बिजी है। मैनिक्योर लगभग हो गया है। मुझे एक फायरी हेयर स्टाइल चाहिए। चलो। ओ हाँ, शानदार। मुझे बस पॉलिश को सुखाना होगा। वुप्स, ये तुमने क्या किया? देखो मुझे क्या मिला, हमारे पेरेंट्स की फोटोज की एल्बम। मॉम की एक बहन है, चलो उन्हें मॉम की बर्थडे पार्टी में बुलाएं। यार हो गया, कैंडल्स को जला दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चुपा काबरा का नाखून डालें। ये क्या है? हाँ, इनविटेशन। ओ आखिरकार। हाय, वो यहाँ क्या कर रही है? उसे किसी ने इनवाइट नहीं किया। मॉम, हमने हमारी आंट को इनवाइट किया है। हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए है।
शुक्रिया, वापस से दोस्ती कर ले। तुमने मुझे माफ कर दिया। आई लव यू। भले ही आप कभी कभी ना मानो, पर परिवार हमेशा आपके साथ रहता है।